कोरोना पीड़ित व्यक्ति का शव नहीं लाने पर सरकारी शव वाहन चालक बस स्वीपर पर मुकदमा दर्ज। कोरोना से स्वास्थ्य विभाग में फैला डर का माहौल। जनपद संभल में कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति की संभल में 4 दिन पहले हुई थी मौत। मौत के उपरांत सीएमओ ने सरकारी शव वाहन के चालक को किया था फोन। कोरोना पीड़ित व्यक्ति का शव लेकर जाना था उसके घर। इसी बीच सरकारी शव वाहन के चालक और स्वीपर ने बंद किया था अपना मोबाइल फोन। डॉक्टर विश्वास अग्रवाल नोडल अधिकारी की ओर से थाना भेजोई में दी गई सरकारी शव वाहन चालक और स्वीपर के खिलाफ तहरीर, दोनों पर दर्ज किया गया मुकदमा। क्या गया है, क्या मामला है? ये एक तमिलनाडु का व्यक्ति रहने वाला था जो कोरोना पॉजिटिव था और ये टीएमयू मुरादाबाद में भर्ती कराया गया था। वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद इनके परिवार से कंसेंट लिया गया था और उन्होंने कंसेंट दिया था कि इसका क्रिमिनेशन यहीं पे करा दिया जाए। इसमें एक मेडिकल टीम जानी थी मुरादाबाद जो उसकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ला करके उसका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उसका क्रिमिनेशन कराना था। जिसमें जब ये टीम भेजने की बारी आई तो इसमें एक स्वीपर हृदय कुमार और जो वाहन चालक पुष्पेंद्र कुमार, ये लोग अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिए और शव लेने जाने से मना कर दिए इन लोग और स्विच ऑफ करके गायब हो गए। अभी इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।